वेलकम टू माय चैनल हरियाणा जीके बाई एसके। दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम मैथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ आता है, चाहे वो हरियाणा के किसी भी एग्जाम का मैथ हो, आप उसकी तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। एसएससी के सभी एग्जाम, पटवारी का जो एग्जाम होगा, ग्राम सचिव का, स्टेट का, कोई भी एग्जाम हो, आपको अगर उसकी मैथ से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मैथ की तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एवरेज का, औसत, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, औसत। इन सम को हम करने का प्रयास करेंगे। हमने वो सम उठाए हैं जो पिछली कक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो एक बार उनको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं, उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर 20 तक, अभी एक से लेकर 20 तक आप लिखोगे, फिर उनका एवरेज कैसे निकालोगे, तो वो तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस 1/2, इस तरह कर लो आप, आसानी से आपका एवरेज निकल जाएगा। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि इतनी संख्याओं का भाई औसत निकालो, तो आप वो लिखोगे, माइनस करोगे, सॉरी प्लस करोगे, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, निकल तो वैसे भी जाएगा, ठीक है। अभी एन यहां पर क्या है, जितनी संख्याओं का उसने औसत निकालने को बोला है वो एन है। तो यहां पर 20 प्लस 1 क्या, वो नीचे क्या है, 2, तो क्या आ जाएगा, 21 आ गया। क्या आ गया यहां पर, 21 आ गया। अब 21 क्या है, हमारा नंबर आ गया, ठीक है। नीचे क्या था, 2 था। इस 21 को 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा जो एवरेज है वो क्या आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, 10.5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम देख लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है, अंतिम संख्या ज्ञात करो। देखो औसत 125 है, ठीक है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करनी है, इसके लिए क्या करेंगे, 125 लिखो, औसत 125 है। इससे पहले वाली संख्या ही लिख लो, ठीक है। इससे पहले वाली दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो 124 हो गया और एक 123 हो गया, ठीक है। अब इससे आगे वाली लिखो, ठीक है, जो अंतिम संख्या ज्ञात करनी है हमें, 5 संख्या ही लेनी है। तो एक तो 100 क्या हो गई, 26 हो गई, और 127 हो गई। तो अंतिम संख्या क्या हो गई भैया, यहां पर 127 क्या हो गई, 127। तो हमारा एवरेज क्या है, सॉरी जो लास्ट नंबर है वो हमारा क्या है, 127। तो इसी तरह से आपने करने हैं, बहुत इजी मैथ है, कुछ भी नहीं है। अभी यहां पर देखो एवरेज निकालना है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इन सभी का आपने क्या करना है, क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो अभी इनको प्लस मत करो, प्लस करके टू से वो करने की जरूरत नहीं है, जितने नंबर है उनसे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो कितने नंबर है। तो यहां पर देखो आप ये क्या कर लो, 8, 9, 10, 11, ये क्या हो गए, ये 4 नंबर हैं, 12, 13, 14 एंड 15 ये कितने हैं, 4 नंबर हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 8 नंबर हैं। तो आप इनके जो बीच का नंबर है वो ले लो, 11 और 12 के जो बीच का नंबर वो क्या है, वो 11.5 है। इस तरह से भी आप एवरेज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो आपको क्या है, एग्जाम में कम समय में जल्दी सम करने का प्रयास करना है, तो आप इस तरह से भी औसत निकाल सकते हो, अगर ऐसा सम हो तो। अगला सम देख लेते हैं भाई, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो अपने आप से क्या हो, अपने आप से क्या हो, भाग हो, ठीक है। 2, 3, 5, 7 एंड 9 तो नहीं है, अब क्या आ गया, 11। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनको प्लस कर दो, क्या कर दो, इनको प्लस कर दो, ठीक है, और फिर जो इनका एवरेज आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या आपने सभी सम करने हैं और आसानी से कर लोगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।